चुनाव की मतगणना के पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ये जान चुकी है कि उपचुनाव में उसकी हार होगी, इसलिए वे विधायकों को खरीदने में लगे हुए हैं। उधर भाजपा ने विधायकों से मिलने को सामान्य मुलाकात बताया। कमलनाथ ने कहा, उपचुनाव में जनता द्वारा सच्चाई का साथ देने के कारण अपनी हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में बने रहने के लिए सौदेबाजी और बोलियां लगाने की राजनीति फिर शुरू कर दी है। कमलनाथ ने कहा कि उनके पास कांग्रेस के विधायकों और निर्दलीय विधायकों की तरफ से निरंतर यह सूचना प्राप्त हो रही है कि भाजपा के लोग उनसे संपर्क करके तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा यह समझ ले कि इस प्रदेश की जनता ने सौदेबाजी और बोलियों से बनी सरकार को अस्वीकार कर दिया है। 10 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम इस बात को सिद्ध करेंगे कि प्रदेश की जनता ने सौदेबाजी की सरकार को नकार दिया है। चुनावों में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 28 सीटों में खुलकर सच्चाई का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो रहा है, ये एहसास हो रहा है कि वह चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं और मध्य प्रदेश के इस फैसले को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने जो उपाय ढूंढा है कि फिर से सौदेबाजी करें, मेरे कई विधायकों से चर्चा हुई है, कई विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि सौदा हो जाए और फिर से बोली बोल के अपनी संख्या बनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी को साफ और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ये ऐसी सरकार जो प्रदेश को कलंकित करती है कभी स्वीकार नहीं करेगी और जनता और कांग्रेस मिलकर इसका सामना करेगी। उधर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधायकों से मुलाकात को लेकर कहा कि यह एक सामान्य मुलाकात थी, इन विधायकों का समर्थन उन्हें पहले से ही है। उन्होंने कहा, उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी और सरकार भाजपा की ही रहेगी। नहीं देखिए, हमेशा मुलाकात होती रहती है और आज भी सामान्य मुलाकात चुनाव के बाद भोपाल वो आए हैं, मैं भी भोपाल था तो इसलिए सामान्य मुलाकात हुई है। नहीं, पहले से ही समर्थन सभी लोगों का, निर्दलीय सपा बसपा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से था और आज भी है, पहले भी था आज भी है और ये तो सामान्य भेंट है, समर्थन तो पहले से था और आगे भी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।